बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करोजन। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के फ़ायदे पढ़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होते, इनके कुछ नुकसानात भी हैं। और आज हम नुकसानदेह इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बट नाउ वी विल डिस्कस अनवांटेड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के प्लस पॉइंट्स पढ़े हैं, और अब हम देखेंगे कि इनके कुछ नुकसानात भी हैं। ज़रूरी नहीं कि जो भी स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो हमें एनर्जी देता है और उससे हम इलेक्ट्रिकल करंट हासिल करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियसली होते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। दैट वी विल डिस्कस इट टूडे। सबसे बड़ा नुकसान करोजन ऑफ मेटल। मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। यही वजह है कि बहुत कम मेटल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वरना मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मेटल ओर्स होते हैं उनमें मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होते। बिकॉज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद आइदर ऑक्सीजन और सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म सम कंपाउंड। इसलिए हमें ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। मेटल्स आर आइदर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, देन वी हैव टू प्योरीफाई इट। जब आप मेटल को प्योरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद भी चूंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो मेटल प्योरीफिकेशन के बाद भी ऑक्सीडाइज होती हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद मेटल दोबारा मेटल टेंड्स टू रिवर्ट इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। यानी जिस फॉर्म से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, मेटल दोबारा उसी स्टेट में जाने के लिए कोशिश करती रहती हैं। करोजन इज द नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन इन विच मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। करोजन एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और ये स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में मेटल्स ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में या कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होती हैं। दिस प्रोसेस हैज़ मैनी सिमिलरिटीज विद ऑपरेशन ऑफ वोल्टाइक सेल। जिस तरह गैल्वानिक सेल में, वोल्टाइक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, करोजन का प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। इस प्रोसेस में मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, यानी मेटल्स एज एनोड बिहेव करती हैं, और ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, यानी ऑक्सीजन एज कैथोड बिहेव करता है। मेटल के कुछ पार्ट्स पे ऑक्सीडेशन होती है और कुछ पार्ट्स पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से रिडक्शन वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इस तरह मेटल कन्वर्ट हो जाती हैं मेटल आयन में, और ये मेटल आयन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो चूंकि प्योर मेटल हमें अवेलेबल नहीं होते, जब हम मेटल को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ क्रस्ट से, दे आर नॉट इन प्योर फॉर्म, दे आर आइदर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स, एंड मेटल टेंड्स टू रिवर्ट इन टू दैट स्टेट। देयरफोर करोजन इज रिटर्निंग ऑफ मेटल इन टू देयर नेचुरल फॉर्म फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। यानी मेटल को हमने जिस प्योर फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया था, प्योरिफिकेशन के मेटल्स को हमने जिस फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया था, वो फॉर्म प्योर नहीं थी, इम्प्योर फॉर्म थी, प्योरिफिकेशन के बाद मेटल दोबारा उधर ही जाने के लिए कोशिश करती हैं।
यूं समझ लें कि मेटल्स की ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती होती है। जब हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं तो हम इसको ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मेटल की अफिनिटी है ऑक्सीडाइज होने की, इसलिए मेटल प्योरिफिकेशन के बाद भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। द क्रोजन इज रिटर्निंग ऑफ मेटल इन टू देयर नेचुरल फॉर्म फ्रॉम विच देवर ऑब्टेंड। इट इज डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल्स देखें मेटल क्रोजन ऑफ मेटल की, रस्ट ऑन आयरन, लोहे को जो जंग लगता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। सिमिलरली टार्निश ऑन सिल्वर, सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तन, इनकी भी क्रोजन होती है, कॉपर की भी क्रोजन होती है, एल्यूमिनियम की भी क्रोजन होती है। क्रोजन तमाम मेटल की होती है, लेकिन कुछ मेटल में क्रोजन का प्रोसेस जब एक दफ़ा हो जाए तो ये फर्दर प्रोसीड नहीं करता, लाइक एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। इन मेटल के ऊपर जब क्रोजन हो जाए तो जो लेयर बनती है इनकी सरफेस पर, वो लेयर नॉन पोरस होती है। उस लेयर में से ऑक्सीजन और मॉइस्चर पास नहीं होती, इसलिए जब एल्यूमिनियम की एक दफ़ा क्रोजन हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस पर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर फर्दर क्रोजन को प्रिवेंट करती है। बिजली के खंभे के ऊपर जो तारे हैं ये एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट वेट है, इसकी डेंसिटी कम है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी है। तो अगर एल्यूमिनियम को भी उसी तरह जंग लगने लगे जिस तरह लोहे को जंग लगता है, तो फिर तो बिजली की तारें हर चंद महीनों बाद हमें रिप्लेस करनी पड़े, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में बारिशें होती हैं, मॉइस्चर अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन भी एयर के अंदर है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह से है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम को जब जंग लगता है, इसकी सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर नॉन पोरस होती है। इसलिए एल्यूमिनियम को जब एक दफ़ा जंग लग जाए, ये नॉन पोरस लेयर फर्दर क्रोजन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये लेयर नॉन पोरस है। अब इसमें से ना एयर पास हो सकती है, ऑक्सीजन, ना ऑक्सीजन पास हो सकती है, ना मॉइस्चर पास हो सकता है। लेकिन ये सहूलत हमें आयरन के केस में नहीं होती, क्योंकि आयरन की सरफेस के ऊपर जब आयरन की रस्टिंग हो जाए, जब आयरन की क्रोजन हो जाए, तो इसकी सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है, और ये लेयर पोरस होती है। इट मीन जब आयरन की एक दफ़ा आयरन को जंग लग जाए तो ये जंग लगने का प्रोसेस फर्दर चलता रहता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड नॉन पोरस है, इसमें से मॉइस्चर और ऑक्सीजन पास होके आयरन की फर्दर रस्टिंग करती रहती है। सिमिलरली कॉपर की भी रस्टिंग होती है, कॉपर की रस्टिंग की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, जिसको पैटिना कहते हैं। द ग्रीन पैटिना फॉर्म्ड ऑन द कॉपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। लेकिन ये लेयर भी नॉन पोरस होती है और प्रोटेक्टिव लेयर है, इसलिए कॉपर की भी रस्टिंग अगर एक दफ़ा हो जाए तो कॉपर फॉर एवर क्रोजन के लिए सेफ हो जाता है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहां ये जहन में रखिएगा कि क्रोजन का प्रोसेस सरफेस फिनोमेना है, इट इज सरफेस फिनोमेना, चूंकि ये प्रोसेस सरफेस पर होता है। क्रोजन इज सरफेस फिनोमेना। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, और आयरन की रस्टिंग ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में होती है।
अब हम देखेंगे क्रोजन होती क्यों है, वाई क्रोजन टेक्स प्लेस। इसकी वजह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, देयर फोर मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीजन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोजन टेक्स प्लेस बिकॉज मेटल्स आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीजन इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेन एवर मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन देन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, बट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। प्योर ऑक्सीजन जिसमें मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर के बगैर अगर ऑक्सीजन और आयरन का कॉन्टैक्ट हो तो रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन एयर में चूंकि मॉइस्चर होती है इसलिए एयर में रस्टिंग हो जाती है। अब क्रोजन की वजह से नुकसान कितना होता है, क्रोजन काजेज सीवियर डैमेज टू बिल्डिंग्स ब्रिजेस शिप्स एंड ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में मेटल यूज होती है, आयरन के पीसेस यूज होते हैं, हमारा सैनिटरी वर्क्स इसमें आयरन के पाइप्स होते हैं, तो बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, शिप्स ब्रिजेस ऑटोमोबाइल्स। क्रोजन की वजह से सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होता है, 100 बिलियन यूएस डॉलर डैमेज टू यूएस इकोनॉमी एवरी ईयर। $100 बिलियन का मतलब है तकरीबन 150 खरब रुपए। इतना हमारा GDP नहीं है जितना अमेरिका को सिर्फ क्रोजन की वजह से नुकसान होता है, और हर साल 20% आयरन और स्टील क्रोजन की वजह से नाकारा हो जाता है। एवरी ईयर 20% ऑफ आयरन एंड स्टील इज प्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस रस्टेड आयरन एवरी ईयर, यानी हर साल 20% आयरन और स्टील क्रोजन की वजह से ज़ाया हो जाता है। ये देखिए व्हाट हैपेंड इन क्रोजन, दिस इज रस्ट ऑन शिप्स। बहरी जहाज चूंकि रहते ही पानी में है तो दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, शिप्स में कोई और टेक्निकल फॉल्ट ना भी आए तो रस्ट की वजह से दे आर हैवीली डैमेज्ड। लुक एट दिस शिप दैट इज डैमेज्ड ड्यू टू रस्टिंग। सिमिलरली एरोप्लेन की रस्टिंग होती है, ये देखिए दिस एरोप्लेन इज हैवीली डैमेज्ड एंड नाउ इट इज यूजलेस। कार की रस्टिंग होती है, ये देखें ये कारों की रस्टिंग, सिमिलरली आगे चल के हम देखेंगे हैवी मशीनरी रस्टिंग की वजह से डैमेज्ड होती है। This is tarnish on silver.
ये अगर कॉपर की सरफेस के ऊपर टॉर्क क्रोजन हो तो एक ग्रीन सी लेयर बन जाती है जिसके पैटिना कहा जाता है, लेकिन ये लेयर प्रोटेक्टिव होती है इसलिए कॉपर की रस्टिंग ज्यादा देर प्रोसीड नहीं करती और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। ये देखें कॉपर वायर, कॉपर पाइप्स, दे आर क्रोडेड एंड ए ग्रीन लेयर इज फाउंड, दिस ग्रीन लेयर इज कॉल्ड पैटिना। ये दिस इज ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये देखें ये कॉपर वायर हैज बीन क्रोडेड। दिस इज क्रोजन ऑफ एल्यूमिनियम बट देर इज प्रोटेक्टिव लेयर एट द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम। कॉपर एल्यूमिनियम की करोजन ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की जब करोजन होती है इनकी सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर बनती है और ये लेयर नॉन पोरस होती है, इसमें से फर्दर ऑक्सीजन और मॉइस्चर पास नहीं हो सकती, देयर फोर दिस लेयर इज मॉइस्ट प्रोटेक्टिव। लेकिन आयरन की जब क्रोजन होती है उसकी सरफेस पर बनने वाली लेयर नॉन प्रोटेक्टिव होती है और पोरस होती है। अगर लेयर पोरस हो तो वो नॉन प्रोटेक्टिव होगी और अगर लेयर नॉन पोरस हो तो वो प्रोटेक्टिव होगी। ड्यू टू क्रोजन देयर इज $100 बिलियन डैमेज टू इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज क्रोजन ऑन हैवी मशीनरी, लुक एट दीज डायग्राम्स। हैवी मशीनरी के पार्ट्स, और ये देखें ये पाइपलाइन क्रोजन की वजह से डैमेज हो गई। ये देखें दिस इज द डैमेज ड्यू टू क्रोजन। आयरन चेन हैज बीन डैमेज्ड ड्यू टू क्रोजन। आयरन नेल्स, ऑल्दो क्रोजन का प्रोसेस स्लो प्रोसेस है लेकिन इसकी वजह से क्रोजन ऑफ आयरन इज इरिवर्सिबल एंड इट कॉजेज इरिप्लेसिबल लॉस। यानी आयरन की रस्टिंग से जब आयरन ऑक्साइड बन जाए उस आयरन ऑक्साइड को दोबारा आयरन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि ये प्रोसेस इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन, इन क्रोजन सम पार्ट ऑफ मेटल एक्ट एज एनोड एंड सम पार्ट एक्ट एज कैथोड। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। द मॉइस्चर एक्ट्स एज साल्ट ब्रिज। अब क्रोजन या रस्टिंग के मैकेनिज्म में ये समझिएगा कि अगर ड्राई एयर में क्रोजन नहीं होगी, यानी मॉइस्चर फ्री एयर में क्रोजन नहीं होती, आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर। ड्राई एयर मीन मॉइस्चर फ्री एयर, मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर रस्टिंग। सिमिलरली आयरन डज नॉट रस्ट इन एयर फ्री वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर क्रोजन। मॉइस्चर फ्री एयर में क्रोजन नहीं होगी,
और ऑक्सीजन फ्री वाटर में क्रोजन नहीं होगी। यानी वाटर और ऑक्सीजन ये दोनों ही जरूरी हैं क्रोजन के लिए। तो अगर आप किसी चीज़ को क्रोजन से बचाना चाहते हैं तो या उसको ऑक्सीजन से दूर रखें या वाटर से दूर रखें। अगर जहाँ ये दोनों होंगी वहाँ पर क्रोजन हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर एंड आयरन डज नॉट रस्ट इन एयर फ्री वाटर। ड्राई एयर का मतलब है वाटर फ्री एयर। लॉस ऑफ आयरन एंड डेपोजिशन ऑफ रस्ट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन एंड डेपोजिशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस। आयरन की रस्टिंग लो पीएच पे यानी कि एसिडिक मीडिया में ज्यादा तेजी से होती है और आयंस की प्रेजेंस में, साल्ट की प्रेजेंस में क्रोजन बड़ी तेजी से होती है। आयरन रस्ट मोर क्विकली एट लो पीएच एंड आयरन रस्ट मोर क्विकली इन कॉन्टैक्ट विद आयनिक सोल्यूशन। इसलिए साल्टश वाटर में से अगर कार को वॉश किया जाए तो उसकी क्रोजन ज़्यादा तेजी से होती है। फैसलाबाद का वाटर साल्टश है, लैया का वाटर साल्टश नहीं है या कम साल्टश है। इसलिए लैया में रहते हुए जब हम गाड़ियों को वॉश करते हैं उसकी रस्टिंग उतनी तेज़ी से नहीं होती। फैसलाबाद में जब हम वॉश करते हैं तो रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है। और फैसलाबाद में ओवरऑल चूँकि वाटर साल्टेश है इसलिए सिर्फ आयरन नहीं बाकी बाकी मेटल्स, और अगर आप यूटेंसिल्स में ज़्यादा देर तक वाटर को स्टोर करें तो उसके ऊपर भी आपको साल्ट की लेयर नज़र आती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कार को या ऑटोमोबाइल्स को अगर वॉश करना है तो इसे सर्विस स्टेशन की बजाय घर जो गवर्नमेंट सप्लाई का वाटर है म्यूनसिपल सप्लाई के वाटर से वॉश करें बिकॉज दैट इज़ लेस साल्टिश। ग्राउंड वाटर इज मोर साल्टिश। आयरन अगर किसी लेस मेट एक्टिव मेटल के साथ इन कॉन्टैक्ट हो तो फिर इसकी रस्टिंग ज़्यादा क्विकली होती है। क्योंकि अगर आयरन के साथ कोई लेस एक्टिव मेटल अटैच हो जाए तो आयरन एज एनोड बिहेव करेगा और लेस एक्टिव मेटल एज कैथोड बिहेव करेगी। इलेक्ट्रॉन विल क्विकली मूव फ्रॉम आयरन टू लेस एक्टिव मेटल। लेकिन अगर आयरन किसी मोर एक्टिव मेटल के साथ इन कॉन्टैक्ट है तो फिर आयरन सेफ हो जाएगा, फिर आयरन प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम क्रोजन बिकॉज देन द मोर एक्टिव मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन। आयरन रस्ट मोर क्विकली इन कॉन्टैक्ट विद लेस एक्टिव मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन विल रस्ट मोर स्लोली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद मोर एक्टिव मेटल। द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रस्टिंग आर कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। देर आर नंबर ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ मैकेनिज्म प्रपोज्ड। एक सिंपल मैकेनिज्म तो ये है कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड। दिस इज आयरन थ्री ऑक्साइड, वी कैन से इट इज फेरिक ऑक्साइड। एंड वेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देन इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड रस्ट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड रस्ट दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। नाउ द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सम पार्ट्स ऑफ आयरन विल एक्ट एज एनोड एंड दे विल बी गेट ऑक्सीडाइज लाइक दिस। आयरन विल बी ऑक्सीडाइज टू फेरस आयन एंड ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसलिए कहा जाता है कि अगर एसिडिक मीडिया हो, अगर लो पीएच हो तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे और रस्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होगा बिकॉज हाइड्रोजन आयन्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर।
ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, फेरस आयन्स आर फॉर्म्ड. द सेल पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव. सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. इट मीन दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. The reaction takes place in acidic medium in which hydrogen ions are provided by reaction of carbon dioxide with water to form carbonic acid. Ferrous ions produced at anode are further oxidized to ferric ions. ये देखें यहाँ जो ferrous ions बने थे इस reaction में, these ferrous ions are further oxidized to ferric ions and they react with water to form hydrated ferric oxide that is called rust. Another proposed mechanism is that iron is oxidized to ferrous ions and oxygen is reduced to hydroxyl ions. These hydroxyl ions react with ferrous ion to form ferrous hydroxide like this. Ferrous ions are produced from oxidation of iron and hydroxyl ions are formed from reduction of oxygen. Iron ki oxidation se ferrous ions bante hain, oxygen ki reduction se hydroxyl ion bante hain. Ye hydroxyl ion aur ferrous ions inke reaction se ferrous hydroxide aur ferrous hydroxide further oxidized hota hai, it form rust that is hydrated iron oxide. This hydrated iron oxide is called rust. The layer of iron oxide formed at the surface of iron is porous. And therefore, it facilitates further corrosion. ये ferrous oxide की जो layer बनती है iron के surface पर, ये layer porous है और इसकी वजह से, porous होने की वजह से it facilitates further corrosion. These are some diagrams. ये देखें iron की oxidation हुई, ferrous ion बने, ferrous ion से ferrous hydroxide, ऑक्सीजन की रिडक्शन से हाइड्रोक्सल आयन बने, हाइड्रोक्सल आयन फेरस आयन के साथ मिलकर इन्होंने फेरस हाइड्रोक्साइड बना दिया और फर्दर रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएंगे रस्ट में. सेम आयरन ऑक्सीडाइज होता है, फेरस आयन्स बनते हैं फेरस आयन और ऑक्सीजन की रिडक्शन से हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, फेरस आयन और हाइड्रोक्सल आयन के रिएक्शन से फेरस हाइड्रोक्साइड, देन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स ferric hydroxide that is converted to rust. इन्होंने रस्ट का फार्मूला लिखा है Fe3O4. Fe3O4 is actually the mixture of ferrous oxide and ferric oxide. Another mechanism, iron is oxidized at anodic site and it forms ferrous ions. At cathodic site, oxygen is reduced and reaction of iron and oxygen forms rust. These are reactions involved. Another mechanism, iron is oxidized to ferrous ion and oxygen is reduced. This is another proposed mechanism. Same reactions again and same product. This is the corrosion of iron pipe. Same here. The mechanism shows that electrical circuit is completed by the flow of electrons. And iron flow of electrons from iron and therefore
रस्टिंग अकर्स रैपिडली इन साल्टी वाटर. साल्टिश वाटर में चूंकि आयंस ज्यादा होते हैं, साल्टिश वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर, देयर फोर इट फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन विंटर सीजन सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड अदर साल्ट्स आर स्प्रेड ऑन द रोड्स टू मेल्ट आइस. बर्फानी इलाकों में जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होती है वहाँ बर्फ़ पिघलाने के लिए सड़कों पर साल्ट स्प्रेड किया जाता है, लेकिन इस साल्ट की वजह से ऑटोमोबाइल्स की क्रोजन ज़्यादा तेज़ी से होती है. इट काजेज रैपिड क्रोजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स. नाउ द क्रोजन ऑफ मेटल्स अदर देन आयरन. क्रोजन का प्रोसेस सिर्फ आयरन पर नहीं होता, बाकी मेटल्स पर भी होता है, लेकिन जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि जब आयरन की क्रोजन होती है तो आयरन की सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है और ये लेयर पोरस होती है. इस लेयर के पोरस होने की वजह से इसमें से मॉइस्चर और ऑक्सीजन पास हो जाती हैं और क्रोजन का प्रोसेस फर्दर प्रोसीड कर जाता है. लेकिन एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर की जब क्रोजन होती है तो इनकी सरफेस पर एक नॉन पोरस लेयर बनती है और वो नॉन पोरस लेयर फर्दर ऑक्सीजन और मॉइस्चर को मेटल के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होने देती, इसलिए ये नॉन पोरस लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोजन ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन आयरन. आयरन, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आयरन से भी ज़्यादा है, इसलिए होना तो ये चाहिए कि एल्युमिनियम की रस्टिंग, एल्युमिनियम की क्रोजन आयरन से भी ज़्यादा तेज़ी से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता. द लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम इज नॉन पोरस एंड इनसॉल्युबल, देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स फर्दर क्रोजन. बट द लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ आयरन इज पोरस एंड इट फैसिलिटेट्स फर्दर क्रोजन. अगर एल्युमिनियम को जंग लगने लग जाए तो हवाई जहाज़ों को बड़ी तेज़ी से जंग लगे, बिकॉज एरोप्लेन की बॉडी में एल्युमिनियम अलॉयज यूज़ होते हैं और आजकल खिड़कियों के फ्रेम, विंडोज़ के फ्रेम एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिव फ्राम क्रोजन ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. सिमिलरली क्रोजन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. कॉपर इज रस्टेड इन फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम इज रस्टेड इन फॉर्म ऑफ, एंड सिल्वर इज रस्टेड इन फॉर्म ऑफ सिल्वर सल्फाइड. इन नॉर्मल एटमोसफेयर अ लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म एट द सर्फेस ऑफ कॉपर. ये कॉपर के साल्ट क्योंकि ज़्यादातर ब्लू होते हैं, देयर फोर दिस देयर इज द ब्लू लेयर एट द सर्फेस ऑफ कॉपर, और ये ब्लू लेयर ऑलरेडी हम मुलाहजा कर चुके हैं. दिस हैपन्स. कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, दे आर ब्लू इन कलर. दिस इज द ब्लू लेयर एट द सर्फेस ऑफ कॉपर, दैट इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट. फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड दिस लेयर इज कॉल्ड पैटिना. दिस लेयर इज नॉन पोरस एंड इट प्रोटेक्ट्स फर्दर क्रोजन. Similarly, when silverware come in contact with food item, it develop a layer of silver sulfide. अब देखते हैं कि corrosion से बचना कैसे मुमकिन है. तो एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एयर में मॉइस्चर ना हो तो corrosion नहीं होती, क्योंकि आयरन मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेटल है. इसलिए हम फिलहाल रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे. अगर हमने आयरन को की रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, अगर हमने लोहे को जंग लगने से बचाना है, तो इसको मॉइस्चर से बचाएं या ऑक्सीजन से बचाएं, इन दोनों में से किसी एक चीज़ से भी अगर हमने इसे महफूज कर लिया तो इट विल बी सेफ फ्रॉम क्रोजन. क्रोजन अकर्स नाइदर इन प्योर वाटर नॉर इन मॉइस्चर फ्री ऑक्सीजन. ये गोल्डन रूल है क्रोजन से बचने का. क्रोजन अकर्स नाइदर इन
प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन ऑक्सीजन फ्री वाटर, बल्कि यहाँ प्योर की बजाय मॉइस्चर फ्री, ऑक्सीजन फ्री वाटर ही कहना चाहिए। नाइदर इन मॉइस्चर फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मॉइस्चर ना हो या मॉइस्चर में ऑक्सीजन ना हो, इन दोनों सूरतों में क्रोजन नहीं होती। ए नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन प्रपोज्ड टू अवॉइड क्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिंग, एक तरीका तो ये है कि मेटल के ऊपर पेंट की या ग्रीस की या ऑयल की कोटिंग कर लें। जब आप आयरन को पेंट कर लेंगे तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसके अंदर नहीं जा सकेंगे, तो दैट विल बी सेफ एज लॉन्ग एज दैट लेयर इज देयर। यानी जितनी देर तक पेंट की या आयरन या ऑयल की या ग्रीस की लेयर आयरन की सरफेस पर रहेगी, उतनी देर तक आयरन की क्रोजन, आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय पेंट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं से ये लेयर ब्रेक हो जाए तो ये ना समझिएगा कि क्रोजन सिर्फ वहीं होगी जहाँ से पेंट की लेयर ब्रेक हुई है, बल्कि ये चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये फिर वहां तक भी पहुंचेगा जहां पेंट प्रेजेंट है। तो आपने लेट सपोज एक मशीन है आयरन की और आपने उसको पूरी तरह पेंट कर दिया, तो कहीं से अगर 1 सेंटीमीटर की जगह भी खाली हो गई, कहीं से अगर पेंट स्क्रैच हो गया, तो फिर वो मशीन पूरी की पूरी एक्सपोज टू क्रोजन होगी। ये देखिए जो रस्टिंग ऑन कार है, कहीं से भी अगर पेंट ब्रेक हो जाए तो फिर ये रस्टिंग का प्रोसेस सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। और क्रोजन के लिए, रस्टिंग के लिए चूंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस जरूरी है, अगर कहीं डेंट पड़ जाए उस डेंटेड प्लेस पे क्रोजन ज्यादा इजीली होती है। Even if a small surface area of metal is exposed due to removal of paint or denting of metal surface, then rusting occurs under the paint surface. एक दूसरा तरीका है कि मेटल के एलॉयज बना लिए जाएं। आयरन का अगर क्रोमियम के साथ एलॉय बनाया जाए तो भी ये रस्टिंग से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाई कन्वर्टिंग इट इन टू एलॉयज। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील इज एलाय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। इन दिस एलाय अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ क्रोमियम इज फॉर्म। अनदर मैथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर अगर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ लेयर ऑफ वन मेटल इज डिपॉजिटेड एट द सर्फेस ऑफ अदर मेटल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन, अगर आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर ली जाए। ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स के टिन पैक्स यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू दिस टिन पैक्स। ये देखिए दिस, इन्हें टिन पैक्स इसलिए कहा जाता है कि टिन की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि आयरन के ऊपर टिन की बजाय एल्यूमिनियम की या जिंक की कोटिंग की जाए। इसकी वजह आपको आगे बताता हूँ। तो इनका बस नाम टिन पैक है, लेकिन आम तौर पर इनमें कोटिंग टिन की बजाय एल्यूमिनियम या जिंक की होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन, ये देखें टिन की एल्यूमिनियम की या जिंक की कोटिंग की जाए, बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। क्यों? कि टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा है। ये देखिए, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी क्रोजन होती है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। तो आयरन और टिन जब इन कॉन्टेक्ट होंगे, आपने आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर दी, ये कोटिंग अगर कहीं से ब्रेक हो गई तो
तो फिर आयरन एज एनोड बिहेव करेगा, टिन एज कैथोड बिहेव करेगा। अब आयरन की करोजन पहले से भी ज्यादा तेजी से होगी, इसलिए टिन पैक्स में अब टिन की बजाय एल्यूमिनियम या जिंक की कोटिंग की जाती है। किसी जमाने में पहले टिन टिन की कोटिंग होती होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन इज नॉट वेरी बेनिफिशियल बिकॉज व्हेन दिस लेयर इज ब्रोकन रस्ट अकर्स रैपिडली बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज मोर नेगेटिव देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, टिन का लेस नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा था अगर दो मेटल इन कॉन्टैक्ट हों और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो, तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो एज एनोड बिहेव करेगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन होगी और आयरन की रस्टिंग होगी। तो अगर आप आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करेंगे और वो कोटिंग कहीं से ब्रेक हो गई, तो फिर आयरन की रस्टिंग पहले से ज़्यादा तेज़ी से होगी। इसलिए बेहतर है कि आयरन की के ऊपर टिन की बजाय जिंक या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाए। बट इफ आयरन इज कोटेड विद जिंक और एल्यूमिनियम देन आयरन इज नॉट रस्टेड इवन इफ जिंक और एल्यूमिनियम कोटिंग इज ब्रोकन। अगर आपने आयरन के ऊपर जिंक या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर ली और ये कोटिंग अगर कहीं से ब्रेक भी हो गई तो भी आयरन की रस्टिंग नहीं होगी बिकॉज जिंक एंड एल्यूमिनियम आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दे हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। तो आयरन कोटेड विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वनाइज्ड आयरन। ये देखें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है। तो जब आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे, ये कोटिंग अगर ब्रेक भी हो गई तो भी आयरन को कुछ नहीं होगा क्योंकि जिंक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जिंक से आयरन की तरफ जाएंगे। और जब जिंक की करोजन होगी तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जो इसको फर्दर करोजन से प्रोटेक्ट करेगी। सिमिलरली नो व्हाट हैपन्स विद आयरन कोटेड विद एल्यूमिनियम। ये देखें जब एल्यूमिनियम की कोटिंग करेंगे एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल इवन मोर नेगेटिव देन जिंक। जिंक का 0.76 वोल्ट है, एल्यूमिनियम का -1.66 वोल्ट है। तो जब आप आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करेंगे और ये कोटिंग अगर कहीं से ब्रेक भी हो गई तो भी आयरन को कुछ नहीं होगा बिकॉज एल्यूमिनियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड। सेम प्रोसेस इज अडॉप्टेड इन कैथोडिक कोटिंग। कैथोडिक कोटिंग का मतलब है कि आप आयरन के ऊपर किसी ऐसी मेटल की लेयर बना दें जिसकी प्रेजेंस में आयरन कैथोड बन जाए। यानी कैथोडिक कोटिंग का या कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप आयरन को कैथोड बना दें, इलेक्ट्रॉन आयरन की तरफ मूव करें, इलेक्ट्रॉन आयरन से अवे मूव ना करें। तो जब आप आयरन की कोटिंग करेंगे जिंक से या एल्यूमिनियम से, देन आयरन विल एक्ट एज कैथोड एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक विल एक्ट एज एनोड। दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन और कैथोडिक कोटिंग। इन दिस प्रोसेस मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल। कैथोडिक कोटिंग में आप मेटल के ऊपर मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें। मोर एक्टिव का मतलब है हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल। द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रोजन इज मेड कैथोड। देयर फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रोजन इज मेड कैथोड एंड प्रोटेक्टर मेटल इज मेड एनोड। द प्रोटेक्टर मेटल शुड हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट शुड एक्ट एज एनोड। अब प्रोटेक्टर मेटल एज एनोड बिहेव करेगा और मेटल टू बी प्रोटेक्टेड विल एक्ट एज कैथोड। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड पाइप्स ऑफ आयरन आर आयरन स्टोरेज पाइप, आयरन स्टोरेज टैंक या आयरन पाइप्स, दे आर
कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। तो जो अंडरग्राउंड आयरन के पाइप्स हैं, बजाय इसके कि पूरे पाइप के ऊपर हम कोटिंग करें, हम इनके ऊपर जिंक के या मैग्नीशियम के पीसेस अटैच कर देते हैं, या किसी भी तरीके से इनको जिंक, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन दैट केस आयरन एज कैथोड बिहेव करेगा, इसकी क्रोजन नहीं होगी। ये देखें, ये आयरन का पाइप है, तो बजाय इसके कि उस पूरे पाइप के ऊपर हम मैग्नीशियम, जिंक या एल्यूमिनियम की कोटिंग करें, हम कहीं कहीं आयरन पाइप्स के साथ जिंक के या मैग्नीशियम के पीसेस अटैच कर देते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम टुवार्ड आयरन। अब आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, चाहे आप इसको पेंट करें या ना करें। सिमिलरली ये आयरन पाइप है, इट हैज़ बीन कनेक्टेड विद मैग्नीशियम रॉड। तो आयरन पाइप को बजाय इसके कि हम इस पूरे पाइप को मैग्नीशियम से कोट करें, हमने इसके साथ मैग्नीशियम का रॉड अटैच कर दिया। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू आयरन एंड आयरन विल बी सेफ। दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल क्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल क्रोजन। अब क्रोजन होगी जिंक की, मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की, और जिंक मैग्नीशियम सैक्रिफाइस करेंगे आयरन के लिए, खुद वो अपनी क्रोजन करा लेंगे, आयरन की क्रोजन नहीं होने देंगे। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल क्रोजन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यहाँ तक हमने गैल्वानिक सेल को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।